आज नाथा को देखा क्या? कैसे सीना तान के जा रहा था? उसकी बेटी मंजू को दूर दूर से रिश्ते जो आ रहे हैं। दिल्ली से भी रिश्ते आए हुए हैं। फिर अपनी मंजू बड़ी किस्मत वाली है ना, नहीं क्या? हाँ ना। अरे विदेश से भी कोई रिश्ते आएंगे, ये किसने सोचा था बोलो? हमारे नाथा ने कुछ न कुछ पुण्य किया होगा। हाँ हाँ, मंजू के घर वाले लोग हमें हाँ कहेंगे क्या? कुछ पता नहीं, मुझे तो उससे बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती है। मुझे भी, मेरा नसीब भी उसके जैसा होता तो कितना अच्छा होता। सुनो, शर्मा जी से और एक रिश्ता आया है। मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है, हाँ किसको कहूँ। बेटा मंजू, तुम ही बोलो, तुम्हें कौन सा रिश्ता पसंद है वो? मुझे तो लगता है विक्रम ही अच्छा रहेगा। विक्रम यानी वो वर्मा जी का बेटा? इतने अच्छे रिश्तों में से वो क्यों? मैं जानती हूँ, विक्रम के पास छोटा सा ही खेत है, लेकिन उसकी काबिलियत उसे देखकर ही पता चलती है। हाँ हाँ, ये सच है, हर साल उसके खेत में नरमे दूसरे किसानों से ज्यादा होती है। तो आप ही सोचिए, जो खेत का इतना ख्याल रखता है वो अपने मंजू का कितना ख्याल रखेगा। इतना ही नहीं, उसको अपनी मंजू भी तो बहुत ज्यादा पसंद करती है। हाँ हाँ, फिर तो मुझे विक्रम से मिलना ही पड़ेगा। सब ठीक है डॉक्टर साहब, मैंने मिट्टी और पानी के कुछ सैंपल भेजे थे आपको, मिल गए? सैंपल्स मिल गए, रिपोर्ट्स मिलते ही मैं तुम्हें फोन करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। नाथा जी आइए आइए। हाँ हाँ। नमस्कार। बैठिए बैठिए। मैं ठीक हूँ। सुना है तुम खेती में नए नए प्रयोग कर रहे हो। नई युग की खेती में ये करना ही पड़ता है, हम अपनी खेती के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं ना, इसीलिए तो हमें भी ऐसा ज्यादा उत्पादन पाने के लिए ऐसी नई तकनीक का उपयोग करना चाहिए। एकदम सही बात कही है विक्रम, गांव के सारे लोग तुम्हारे इस नरमे के बारे में ही बात कर रहे हैं, सब लोग तुम्हारा खेत देखना चाहते हैं। ऐसा क्या जादू किया है तुमने? जादू वगैरह कुछ नहीं, आप ये सब जो देख रहे हैं वो सिर्फ मेरी वजह से नहीं है, ये सब कमाल हुआ है डाऊ एग्रोसाइंसेस के ट्रांसफॉर्म की वजह से। ट्रांसफॉर्मर? क्या कहा? निरोगी और सशक्त नरमे के लिए ट्रांसफार्मर में होता है क्या? ट्रांसफार्मर मतलब गांव को बिजली देने वाला ना? ट्रांसफार्मर नहीं नाथा साहब, ट्रांसफॉर्म। हाँ। नरमे की फसल में आपको तेला, चेपा और मीली बग्स जैसे कीड़ों का प्रादुर्भाव 60 से 90 दिनों में ज्यादा दिखाई देता है, मतलब उसी दौरान हमें नरमे की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, और उसी वक्त मैंने ट्रांसफॉर्म का उपयोग किया था। उसके बाद क्या हुआ पता है? ट्रांसफॉर्म के इस्तेमाल के बाद मैं 2-3 बार खेत में गया, लेकिन मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, तेला, चेपा और मिली बग्स ये सब गायब हो चुके थे। इतना ही नहीं, ट्रांसफॉर्म की एक खासियत है कि ये तेला, चेपा और मिली बग्स से सर्वोत्तम नियंत्रण, लंबे समय तक असर और बेहतर फसल देता है। ये ट्रांसफॉर्म स्पर्श क्रिया से ही नहीं बल्कि अंतर्वाही क्रिया के द्वारा और पत्तों की दूसरी सतह पर पहुंचकर कीड़ों पर अद्भुत असर दिखाता है। इतनी बेहतर तकनीक के कारण इसकी क्रियाशीलता और सुरक्षा नीति के लिए R&D 100 और एग्रो अवार्ड जैसे कई पुरस्कार मिले हैं। हाँ इतना ही नहीं, ये ट्रांसफॉर्म मित्र कीड़ों के लिए भी सुरक्षित है। अच्छा। हाँ, अगर आपको भी नरमे निरोगी बनानी है तो इस्तेमाल कीजिए ट्रांसफॉर्म, 1 एकड़ के लिए 150 ml, लेकिन याद रहे 60 से 90 दिनों के दरमियान ट्रांसफॉर्म का सही मात्रा में उपयोग महत्वपूर्ण बहुत है। बहुत अच्छा, इसीलिए ट्रांसफॉर्म लाओ, नरमे को निरोगी बनाओ। तुम बहुत समझदार हो विक्रम। हाँ, और एक बात, तुमने जैसे कपास का भविष्य उज्जवल बनाया वैसे मेरे बेटी का भी भविष्य उज्जवल बना दो। जी हाँ, विक्रम जैसे बहुत से समझदार किसान हैं जो अपने नरमे के खेतों में ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी इस्तेमाल कीजिए और स्वस्थ फसल के साथ साथ अपना भविष्य भी उज्जवल बनाइए। डाऊ एग्रोसाइंसेस का ट्रांसफॉर्म, अब रहे स्वस्थ फसल और चमके आपका आने वाला कल।